मंजिलों को छूके भागा तेरा रास्ता कबीरा। जैसे कि आपको पता है अभी आपने प्रीव्यू में देखा और ये ऑडियो काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पर वायरल भी हो रहा है, तो यहाँ पर आपने जैसे कि देखा है तो ये बहुत ही इजीली आप बना सकते हो, जो कि बहुत ही कूल लगता है। लिटरली बहुत ही कूल लगता है आपका ये वीडियो। तो अगर आपको भी बनाना है तो इस वीडियो के साथ बने रहे, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ गाइस, हमारा गेमिंग चैनल आ चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कह रहा हूँ, जस्ट आप एक बार चेकआउट कर लेना, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा स्टोरी सब, तो प्लीज एक बार चेक जरूर करना। तो चलिए आज का जो वीडियो एडिटिंग है इसे सीख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर व्हाइट बट एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। अब जैसे कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, ये फोटो प्रोफाइल पिक, तो इसका गैलरी का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और फोटोज पे क्लिक करके आप कोई सा भी डीपी यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये डीपी को चूज करता हूँ, तो देख सकते हो वहाँ पर डीपी लग चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप प्रोफाइल नेम पर क्लिक करना, आपको यहाँ पर जो भी आपका नेम यूज़र नेम देना चाहते हो आप टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पर जैसे कि सैयद सोहेल टाइप कर लिया और डन पे क्लिक करता हूँ। अब यूज़र नेम भी आप दे सकते हो, तो यहाँ पर मैं इस तरह, जैसे कि यहाँ पर मैं, आप स्मॉल लेटर पे टाइप करना, तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर इस तरह लिख सकते हो आप, या आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम भी इस तरह लिख लेना सही तरीके से, जितना प्रोफेशनल बनाओगे उतना आपका बेटर लगता है वो। अभी यहाँ पर मैं कुछ नंबर भी ऐड कर देता हूँ, 70 इस तरह। अब गाइज, आपको ट्विटर फ्रॉम एंड्रॉयड या ट्विटर, आप ट्विटर फ्रॉम iOS इस तरह iOS टाइप कर देना, बट iOS को यहाँ पर आई को मैं छोटा लिखता हूँ, iOS इस तरह, सॉरी यहाँ पर इस तरह iOS टाइप कर देना, ट्विटर फॉर iOS। अब यहाँ पर गाइज डेट एंड टाइम ये सब चेंज कर सकते हो आप, रीट्वीट जितना सारा है ये सब कुछ चेंज कर सकते हो, इस तरह हर्ट भी दे सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पर मेन ट्वीट पे क्लिक करना होगा। गाइज यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ, क्रोम ब्राउज़र पे चले आ जाना होगा और गाइज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो जो भी आपको कॉर्ड्स चाहिए, उन सारे कॉर्ड्स सबको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जैसे कि ऑलरेडी एक कॉर्ड्स कॉपी करके रखा हूँ, तो उसे मैं यहाँ पर इस तरह पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद गाइज आप यहाँ पर, जैसे कि मैं कुछ इमोजी यूज़ करता हूँ, तो मैं हर्ट, ब्रोकन हर्ट ये यूज़ कर लेता हूँ, एंड 100 यहाँ पर 100 ये टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइज coolsymbol.com इस वेबसाइट पे मैं चले आ गया हूँ। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सिम्बॉल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ पर मैं ये सिम्बॉल को कॉपी करता हूँ और इस एप्लीकेशन पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर एक वो सिम्बॉल को यहाँ पर स्पेस देकर पेस्ट करता हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। अगर आपको इमोजी को iOS चाहिए तो आप हटा सकते हो, इस तरह मैंने हटाया। अब 3 डॉट पे क्लिक करके आपको लाइट्स आउट थीम पे क्लिक करना होगा और एक स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ यहाँ पर। अब गाइज आपको यहाँ पर आप अलाइट मोशन एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, अलाइट मोशन एप्लीकेशन को मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू प्लस पे क्लिक करके मीडिया, और जो आप स्क्रीनशॉट लिए उसे यहाँ पर कर देना होगा पेस्ट। 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया, मैं यहाँ पर इस तरह मिडिल पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर गाइज आपको इमोजी ऐड करना है, तो जैसे कि वो दो इमोजी मैं यूज़ किया, मिडिल पे कर लेता हूँ। कलर का ऑप्शन पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, डाउन कर लेता हूँ इसे, 1080p पे क्लिक करके थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। रोबोट रेगुलर पे क्लिक करके आपको iOS फॉन्ट सबका लिंक, मतलब मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये iOS फॉन्ट का लिंक आपको जैसे कि मैं बताया डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। बाय द वे मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर गाइस ये फॉन्ट को आप यहाँ पर इस तरह एडजस्टमेंट कर लेना, यानी कि इस जगह पर सेट कर लेना इस तरह, तो सही तरीके से। और अगर स्पेस देना चाहते हो तो बीच में आप स्पेस भी दे सकते हो। बाय द वे यहाँ पर इस तरह आप एडजस्टमेंट कर लेना, तो मैं यहाँ पर और थोड़ा एक छोटा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर 20pt कर लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पर इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर इस फॉन्ट को सही लगता है। अब यहाँ पर गाइज इससे शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके करेंट फ्रेम एज PNG देन एक्सपोर्ट कर देना होगा। अभी आपका तुरंत ही एक्सपोर्ट हो जाता है, आप सेव कर लेना। अब यहाँ पर गाइज आपको इरेजर एप्लीकेशन या आप यहाँ पर फोटो रूम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, तो मैं फिलहाल यहाँ पर बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आपको वो वाला इमेज को इंपोर्ट करना होगा,
यहाँ पर आपको इस तरह क्रॉप कर लेना है, जितना सारा आपको रखना नहीं है इतना भी आप रख सकते हो, आप जैसे कि देख सकते हो, वरना आप इतना भी रख सकते हो। तो फिलहाल मैं यही चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, मैन्युअली इस बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक में कर लेता हूँ। अब इस तरह जूम कर लेना होगा और इन सारे जैसे कि ब्लैक सब है ना, आपको इस तरह सभी को अपने ऑटो कलर को लेके जाना होगा उन सारे के अंदर, और जस्ट लेके जाना होगा और इस तरह आपको उसके अपर पे क्लिक कर देना होगा, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हो जहाँ जहाँ पर आपको ब्लैक आ रहा है यहाँ से बीजी कलर सबको चेंज कर सकते हो, यानी कि बैकग्राउंड कलर को, और यहाँ पर इस तरह आप सारे के सारे टेक्स्ट के अंदर से ब्लैक पार्ट को रिमूव कर लेना। तो मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैन्युअली मैं इसे रिमूव कर चुका हूँ। अब आपको राइट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसे सेव वन पे कर लेना। तो सेव करने के बाद अगेन आपको यहाँ पर अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो भी आपका बैकग्राउंड इमेज है उसे यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर मैं एक बनाया हूँ एडोबी लाइटरूम से, ये वाला इमेज को मैं यूज़ करता हूँ। इन सारे इमेजेस को आपको पिंटरेस्ट पे चले जाना होगा। आपको पिंटरेस्ट पे इन सारे फोटोशॉप का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप एस्थेटिक विलेज टाइप कर सकते हो, एस्थेटिक यहाँ पर विलेज मतलब वॉलपेपर जैसा भी चाहिए, आप अपना एस्थेटिक जैसा भी चाहिए उस तरह टाइप कर देना, एस्थेटिक विलेज, और या यहाँ पर कलर आप टाइप कर देना एस्थेटिक पिक्चर। तो यहाँ पर मैं जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक इमेज मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, ये वाला। तो ये वाला इमेज को इस तरह पोस्ट कर देना, ऑटोमेटिक इस टाइप का इमेजेस वीडियो सब आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस तरह इजीली भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप इस फोटोज़ को इंपोर्ट कर चुके हो, अब यहाँ पर एडिट ग्रुप पे जाना होगा, जो ग्रुप ट्वीट है। तो ये जो इमेज है आपको यहाँ पर इसके अंदर अगर आप रिप्लेस करते हो, अगर आपका क्रॉप साइज सही नहीं होता है ना तो आपका इस तरह स्ट्रैच हो जाएगा, तो आप यहाँ इसे डिलीट कर देना और यहाँ पर इस तरह इंपोर्ट कर लेना। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर छोटा कर लेना इस तरह, और गाइस इसे इधर स्लाइड कर देना, और मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इस तरह आप कर सकते हो यहाँ पर। अब गाइस इसे आप एंड तक एक्सटेंड कर देना। अब यहाँ पर इमेज मार्क्स पे जाना, एडिट ग्रुप पे जाना होगा। इसे भी आप अगर इस तरह करते हो ना, तो जैसे कि आपको यहाँ पर उसके बाद कोई भी बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना होगा साइड पे, जो भी आपका इमेज रहे उस तरह, तो यहाँ पर आप ये वाला भी इमेज यूज़ कर सकते हो। तो ये देख रहे हो ना, स्ट्रेच हो जा रहा है। तो यहाँ पर गाइस आपको ये वाला डिलीट कर देना होगा, फिर से अगेन आपको उसे इंपोर्ट करना होगा, होल्ड करके रखना, नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना और इधर एक्सटेंड कर लेना। अब यहाँ पर गाइस आपको उसे छोटा कर लेना होगा इस तरह, तो मैं इस तरह छोटा कर लिया, और यहाँ पर इस तरह छोटा करके आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। तो इस तरह मैंने सेट किया। अब बैक करना है, अभी देख सकते हो, और थोड़ा आप इधर करोगे तो सही होगा, तो वो अच्छा तरीके से दिखता है। तो मैं छोटा कर लिया थोड़ा, और छोटा करने के बाद यहाँ पर मैं इसे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ सही तरीके से। अब देखना वो थोड़ा बैकग्राउंड पे दिख रहा है। तो एडिट ग्रुप पे अगेन जाना होगा आपको, और थोड़ा सा जूम कर लेना उसे, फ़ोटोज़ को मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो गाइज अब देखना सही रहेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा दिखता है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगेन ये जो डुप्लीकेट लेयर कर लेना होगा आपको, और कोई भी एक डुप्लीकेट लेयर को आप इधर इस तरह एक्सटेंड कर लेना। तो अब ये सही तरीके से दिखता है, जैसे कि मैं इसे थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, और इधर मैं इसे और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और इसे इस तरह रखता हूँ। बट गाइज ये लेयर को मैं नीचे की तरफ रखता हूँ। अब यहाँ पर बैक करना, अब देख सकते हो वो सही तरीके से दिख रहा है। तो आप ना यहाँ पर ये वाला इमेज भी रख सकते हो, या आप जो भी डिफरेंट टाइप के इमेज यूज़ कर रहे हो आप उनमें से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर ये वाला इमेज यूज़ करूँ, तो आप इसे छोटा कर लेना और इसके नीचे कर लेना, एंड तक एक्सटेंड श्योर करना, 100% एंड तक एक्सटेंड करना, और इस तरह रखना। तो अभी देख सकते हो ये इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह सीन है गाइज, आप इस तरह बना सकते हो। तो अब यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर ये वाला इमेजेस यूज़ किया हूँ, आप जैसे कि देख सकते हो। अब यहाँ पर बैक करना होगा, अभी देख सकते हो आपका कुछ इस टाइप से वीडियोस बन जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप इफेक्ट्स देना चाहते हो, तो ऑसिलेट इफेक्ट, और भी मैं बताता हूँ क्या क्या इफेक्ट्स देना होगा। तो ऐड इफेक्ट पर जाना होगा, यहाँ पर ऑसिलेट सर्च करना होगा। तो यहाँ पर ये रहा ऑसिलेट, इसका स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ करना, इसे आप यहाँ पर 90 डिग्री कर लेना। तो जैसे कि मैं इसे 90 डिग्री कर लेता हूँ। अब यहाँ पर गाइस आपको फ्रीक्वेंसी को है ना, इसे 0.50 कर लेना होगा। तो यहाँ पर 0.50, तो एक ऑसिलेट इफेक्ट आ चुका है। फोटोज़ को थोड़ा सा जूम कर लेना, अब देख सकते हो इस तरह आ चुका है। और इसके अंदर अब आपको एक इफेक्ट ऐड करना होगा जिसका नेम है ब्लर। तो आपको गॉसियन ब्लर का स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ कर लीजिएगा, और अब देखना थोड़ा ये अच्छा तरीके से दिखता है।
गॉसियन ब्लर का जो स्टैंडर्ड आप बढ़ाओगे तो जितना ब्लर रहता है, बाय द वे यहाँ पर मैं 100 ही रखता हूँ, 150 रहता है एक्चुअली, बट यहाँ पर आप 100 रखना, तो ये कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। अब गाइस आप स्विंग इफेक्ट ये सब ऐड कर सकते हो, और इसके अंदर सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, तो यहाँ पर सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस का स्टैंडर्ड सेटिंग, सैचुरेशन को माइनस करोगे ना तो ये ब्लैक हो जाता है, प्लस करोगे तो कुछ इस तरह हो जाता है, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं एक पार्टिकल वीडियो यूज़ करता हूँ, तो 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर लेना, वो वीडियो आपको फिट हो जाएगा। अब थोड़ा ये वीडियो को ना आप लेफ्ट का पार्ट ज़्यादा दिखाना। अब यहाँ पर ब्रेंडिंग का ऑप्शन पर जाना होगा, लाइटिंग पर जाना होगा, स्क्रीन करना होगा। अभी देख सकते हो इस तरह दिखता है ये, और बहुत ही सही लगता है ये अगर आप रखते हो तो। और गाइज आप उसके बाद अपना क्रॉप भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आप शेयर करके 1:1 रेशियो पे एक्सपोर्ट कर लेना, और उसे आप एक सेप साइज दे देना। तो यहाँ पर यानी कि आप समझ सकते हो आप एक अच्छा क्वालिटी पे वीडियोस बना सकते हो इस तरह, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है इस तरह वीडियोस सब, तो इस तरह बना सकते हो ये वाला वीडियो। आई होप आपको ये वाला वीडियो देख के पसंद आया होगा, और भी आप मैं ये थंबनेल दिखा रहा हूँ, अगर इस तरह एडिटिंग करना है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइज नए वीडियो के साथ। अब आप प्लस पे क्लिक करके ऑडियो भी इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलो गाइज बाय बाय, देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।